हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, नवरात्रा आ रहे हैं और आज हम आपके लेके आए हैं नवरात्रा स्पेशल फलाहारी नमकीन। बनाने में बहुत ही इजी है और फलाहार में तो नमकीन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि चाय के साथ में, फलाहार के साथ में जब आपका मन करे आप नमकीन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फलाहारी नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि स्पेशल फलाहारी नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया रिफाइंड ऑयल और गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पे ली है एक कटोरी मूंगफली, ये हम ऑयल में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। ये फलाहारी नमकीन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आप इसको एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और बनाने में भी बहुत ही इजी होती है। देखिए, मूंगफली हमारी तैयार हो चुकी है, कलर भी इनका चेंज हो गया है और जब मूंगफली चटकने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि मूंगफली हमारी अच्छी तरह से सीख चुकी है। आइए मूंगफली को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हमने एक प्लेट में न्यूज़पेपर लगा लिया है। न्यूज़पेपर पे हम सभी चीजों को तल के इस तरह से डाल देंगे ताकि जो भी ऑयल एक्स्ट्रा होगा इसमें वो निकल जाएगा और हमारी जो व्रत की फलाहारी नमकीन है वो बिल्कुल भी ऑयली तैयार नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया नमकीन हमारी बनके तैयार होगी। मूंगफली हमारी सभी तल चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इनमें। अब हमने लिया है आधा कटोरी साबूदाना। ये मोटा वाला साबूदाना है जो तलने के काम में आता है। नमकीन में ज्यादातर यही वाला साबूदाना डलता है। इसके लिए ऑयल तेज गर्म होना चाहिए। ऑयल को हम एक मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। मैंने ऑयल हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। ऑयल तेज गर्म हो चुका है। अब हम साबूदाना डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और साबूदाने को इस तरह से मिलाते हुए पका लेंगे। देखिए, साबूदाने भी हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इनको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है नमकीन को बनाने का और सबसे बड़ी बात यह है कि फलाहारी नमकीन है तो जब भी ये खत्म हो जाए तब आप फटाफट से और बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड है और इस नमकीन को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ये सब सामान हमें घर में आसानी से मिल जाता है। मूंगफली और साबूदाना फ्राई करने के बाद में अब हम फ्राई करेंगे नारियल के पीसेस, जो हमने इस तरह से देखिए लंबा लंबा कट करके रखा है। ये लगभग आधा कटोरी के आसपास है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है क्योंकि ऑयल बहुत तेज गर्म है। अब हम ऑयल में नारियल डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसको भी हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें काजू, बादाम या और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे नारियल देखिए फ्राई कर लिया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम नारियल को भी ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। नारियल को भी हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब हमने ली है आधा कटोरी किशमिश। नारियल फ्राई करने के बाद में अब हम हल्का सा किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश को हमें बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और तेल हल्का सा गर्म भी हो गया है और देखिए किशमिश भी फ्राई होने लग गई हैं। आप देख सकते हैं सभी किशमिश ने कलर चेंज कर लिया है, यानी कि फूलने लग गई हैं। बस इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी किशमिश को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से दबा लिया है ताकि जो किशमिश में एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम एक्स्ट्रा ऑयल को अलग बर्तन में निकाल देंगे। हमने सारा ऑयल बाहर निकाल दिया है। अब हम लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल वापस से कढ़ाई में डाल रहे हैं और साथ में ही हम डाल रहे हैं एक कटोरी फूल मखाना, यानी कि लोटस सीड्स। इनको तलने के लिए हमें बहुत ज्यादा घी या तेल की जरूरत नहीं होती है। गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, फूल मखाना भी हमारा नमकीन के लिए तैयार हो चुका है, कलर चेंज होने लग गया है। एक बार हम एक मखाने को इस तरह से तोड़ के देख लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अच्छे से नमकीन के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी हम एक मिनट के लिए और इसको इस तरह से पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और देखिए, हमने फलाहारी नमकीन के लिए सभी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर ली हैं। अब हम इनको एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे। देखिए, बड़े बर्तन के अंदर मैं सभी चीजों को मिक्स कर दूंगी। देखिए, हमने सभी चीजें एक साथ मिला दी हैं और अब इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है।
अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिए आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। आप काली मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे एक चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दी है एक चम्मच बारीक पिसी हुई चीनी। फलाहारी नमकीन है ये, हल्का सा इसमें मीठा ही अच्छा लगता है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सभी मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं नमकीन में, और नमकीन हमारी बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस स्टेज पर टेस्ट भी करके देख सकते हैं, आपको नमक मिर्ची या मीठा जो भी कम लगता है वो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी फलाहारी नमकीन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने कम सामान से हमारी कितनी सारी नमकीन बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।